कतिलों को, स्वास्थ्य कतिलों को, फांसी दो बेको बेको न्याय बेको 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 न्याय बेको 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 न्याय बेको अरबाज के कातिल दरिंदों को फांसी दो अरबाज के कातिल दरिंदों को फांसी दो Love Jihad, there are many such instances where Ramsena has involved in threatening and harassing minority community. They are actively targeting Muslims, Christians and Dalits for their ulterior motives to spread communal disharmony. Recently, a Dalit family was targeted, Christian saint was targeted, and now in Khanapur, a layman citizen is lynched by the Ramsena and RSS alliance groups. That the Khanapur incident is a very sensitive issue and is harming the peaceful atmosphere that prevails in Belgaum. A young boy named Arbaz Mullah, aged 20, कल खानापुर में हुए अरबाज मुल्ला के कत्ल के मामले को लेकर आज बेलगाम में टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के जेर एहतमाम डिप्टी कमिश्नर के जरिए हुकूमत को अर्जदाश्त पेश की गई। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए टीएसएस के ज़िलाई सदर आरिफ कटगेरी ने इस मामले की मजम्मत की है और मुजरिमों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तंजीमों ने टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के बैनर तले डीसी ऑफिस में जमा हैं। पिछले दो दिन पहले जो है खानापुर में एक वाकया पेश आया, अरबाज मुल्ला नामी नौजवान का जो है किसी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है। इसकी मजम्मत करने के लिए यहां पे सभी ऑर्गेनाइजेशन जमा हैं। देखा जा रहा है कि पिछले चंद दिनों से जो है कभी गाय के नाम पर लिंचिंग होती है, कभी अफेयर के नाम पर लिंचिंग होती है, कभी दाढ़ी के नाम पर लिंचिंग होती है। आखिर यह हमारे देश में चल क्या रहा है? हम हुकूमत को सख्त से सख्त अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है ये जिसका जो लोग कत्ल किए हैं, हालांकि उसके सारे सबूत पुलिस डिपार्टमेंट को मिल चुके हैं, और हम पुलिस डिपार्टमेंट को बोलना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करें और उन्हें जो है फांसी की सज़ा दें। क्योंकि जब तक आप सख्ती से इस पर अमल नहीं करते, हिंदुस्तान में जो है ऐसे लिंचिंग होते रहेंगे। इसीलिए हम सभी लोग जो है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हुए दरिंदों को जो है फांसी पर लटकाने की मांग करते हैं। टीएसएस के रियासती सेक्रेटरी फजल खान पठान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। आज जो है टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के जानिब से और भी बेलगाम के तंजीमों के जानिब से जो है डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है। इसमें जो है इसकी जो मेमोरेंडम दिया जा रहा है इसकी वजह यह है कि अरबाज मुल्ला नाम के जो बच्चे को जो है लव जिहाद के नाम पर जो है रामसेना की जो है हिंदू आतंकवादी संगठन जो है उसे ख़त्म करके ट्रेन के पटरी पर सुलाकर जो है उसका कत्ल किया गया है। और रेलवे पुलिस वालों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, रात को 11 बजे जो है एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है, दूसरे दिन सुबह 2 बजे तक उस बॉडी को उठाया गया नहीं है, इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? क्या किसी पार्टी का या किसी नेता का कुछ आपको कुछ भी क्या प्रेशर है क्या, ये मैं बात पूछना चाहता हूँ। और मैं बहुत देख रहे हैं हम लोग बेलगाम में भी ऐसे हादसे हो रहे हैं ये संगठन के वजह से, इसीलिए मैं ये संगठन को मैं डीसी साहब के ज़रिए से ये संगठन को बैन करने की मैं अजीज़ गुजारिश करते हैं। हमारी पूरी संगठन और पूरे जो तंजीम वाले जो हैं ये रामसेना संगठन को बंद करने बैन करना, इसके लिए जो हम यहाँ पर जो है डीसी साहब को मनवी पत्र देने को आए हैं। और जो अरबाज मुल्ला नाम के जो बच्चे का जो कत्ल किया गया है बेरहमी से दरिंदों ने जो कत्ल किया गया है, उनको दरिंदों को जो है कड़ी से कड़ी जो है सज़ा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा, उनको फांसी होना चाहिए, उनको चौराहे पर ला के फांसी देना चाहिए, ताकि जो है हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर और ख़ास करके जो है बेलगाम के अंदर जो है अमन और सुकून जो कायम है इसको और भी कायम करें। इसके लिए जो है मैं पुलिस डिपार्टमेंट वालों से भी और हमारे डीसी साहब से भी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दरिंदों को जो है फांसी पर लटकाएं और जो है ये रामसेना को बंद करें, ये मेरी गुजारिश है। बामसेफ के अयूब जकाती ने कहा कि जुल्म की बुनियाद पर हुकूमतें देर तक नहीं चल सकती। मैं बस हमारे भाइयों ने जो जो कहना था कह दिया, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप तारीख उठा कर के देखिए, जुल्म की बुनियाद पर कोई भी हुकूमतें कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चल सकी है, कहीं भी। आप पूरे 1000 साल का नहीं, 2000 साल का, 3000 साल का आप तारीख उठा करके देखिए, जुल्म की बुनियाद पर कोई भी हुकूमत
कहीं भी नहीं टिकी है। आज ये जो इस हुकूमत के ज़रिए से जो पूरे भारत में जुल्म इंतहा को जो पहुंच रहा है, इससे ये लगता है कि बस इनका अब खात्मा अन करीब है, इनका वक्त आ चुका है। जैसे आज कई फिरौनों की हुकूमतें नहीं चल सकी, तो ये क्या चीज़ है? बस इनका इतना इतनी जो पुरजोर, इनके जो मजालिम और इनके जो भी तरीक़ेकार इन लोगों ने अपनाया है, ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है एक दिन बहुत करीब है, वो दिन बहुत करीब है, वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये जितने भी तरीक़ेकार अपने ये बनाए, ये जितने भी साजिशें करें, इन सब के ऊपर सबसे बेहतरीन साजिश करने वाला है और उसकी साजिश ही कामयाब होती है। ऐसी साजिशें तो नाकाम होती रही है, हुई है और ये भी होके रहेंगी। वहीं PFI के आबिद अली ने कहा कि अरबाज मुल्ला और उनकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो जैसे कि आप सब जानते हैं, ये जो इशू है खानापुर के इस मैटर को लेकर के है, तो हम यहाँ पे इसकी मजम्मत करने के लिए जितने भी बेलगाम की NGOs है सब मिलकर इस काम को अंजाम देने के लिए DC साहब को एक मेमोरेंडम दे करके, ये इस हादसे की पूरी जानकारी दे करके, इन्फॉर्मेशन दे करके हम इनसे ये अपील कर रहे हैं कि जो भी नाइंसाफ़ी अरबाज मुल्ला के साथ हुई है और उसके घर वालों के साथ हुई है, तो उसे इंसाफ दिलाने का काम करें। जैसे कि आप सब जानते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो भी काम करती है पूरा डिपार्टमेंट के साथ रहकर लीगली काम करती है और पूरा भरोसा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को यहाँ के जुडिशरी के ऊपर, यहाँ के डिपार्टमेंट के काम करने के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि डिपार्टमेंट कितना अच्छा काम करती है और कितना हमारी जुडिशरी का काम होता है। झारखंड में हमने मॉब लिंचिंग के ऊपर 20 लोगों के ऊपर केस किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें सक्सेस मिलकर है जुडिशरी के हिसाब से और डिपार्टमेंट के तालमेल के चलने के हिसाब से। तो मैं ठीक उसी तरह की अपील यहाँ की भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ करना चाहूँगा और यहाँ के जुडिशरी जो भी है उनसे भी मैं यही एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इसमें जो भी कल्प्रिंट है उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान मौजूद थे। यस इंडिया की रिपोर्ट।